गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फाइनली हम लोग अपने घर पहुंच गए हैं। नहीं पहुंचे अभी, किसी और से। यहां देख सकते हैं ऋषभ का बाल काफी बड़ा बड़ा हो गया था। इसके पापा गए फौजी कट कटवाए ना। फौजी कट, फौजी बनोगे क्या ऋषभ? ऋषभ बड़ा होगा फौजी बनेगा, फौजी। तो चलिए, बच्चे हैं, बच्चों को तो मैंने उसका ऋषभ का बाल कटवा दिया है। और यहाँ सोनाक्षी का भी बाल मैंने अपने हाथ से ही काटा था। तो इनका बाल देखो काटे फिर बड़ गया है। कहाँ तो छोटा है। यहाँ सोनाक्षी भी तैयार हो रहे हैं अपना बाल कटवा के। लंबे बाल पे अच्छे लुक अच्छा आता है। मेरा बाल तो बढ़ता ही नहीं। वहाँ पे हम देखे थे निशा दीदी का कितना बड़ा बाल था। तो हम घर पर आ गए तो हमारे घर के जो राशन होते किचन के सामान वगैरह लगभग खत्म, मतलब खत्म क्या, अरे थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत नहीं है। तो अब बच्चों का स्कूल खुल जाएगा, फिर जब स्कूल खुल जाएगा तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, तो चलते हैं, किचन का सामान जो भी राशन वगैरह जो भी है सब कुछ लाते हैं। घर पर तो अभी आए हैं, लेकिन अभी तो टेम्परेरी वाला साफ सफाई के कोई अच्छे वाला नहीं चाहिए कि जो घर एकदम साफ सुथरा अच्छा दिखे। बस कर दिए हैं सारे जो कपड़े थे, इतने ढेर सारे गाइस कपड़े, इतने ढेर सारे कपड़े थे। मैंने देख सकते हैं तीन तीन दारा भर के यहाँ से वहाँ मैंने डाल रखा है। तो उधर पति जी तैयार हो रहे हैं। सोनाक्षी तब तक फ्रिज में बाटल पानी भर के फ्रिज में लगा, इधर एक को पानी ना बाटे, पानी ना बाट को कौन सा भाषा बोल रहे हैं। तो वहाँ चार बॉटल खाली था, तो यहाँ सोनाक्षी से मैंने बोला बॉटल में पानी लगा दो, तो लगा रही है। और कल जब हम लोग आए तो सुबह में हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। ऋषभ पर क्या रहे हो? अब देखते हैं वहाँ चलकर हम लोग क्या लाते हैं सामान वगैरह। और मुझे गाइस वीडियो भी बनाना है। नटेला ले लेना। क्या चीज़? नटेला ले लेना। नटेला ले लेना। तो अभी हमारे जो घर का अभी काम वाम करवाए थे साफ चरप ये। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं। ऋषभ गाड़ी के अंदर ही फंस गया है, तो दिखाते हैं बैक कैमरा करके। और रात का समय है, रात को ही हम लोग आए हैं मार्केटिंग करने, है ना सोनाक्षी? गाइस देख सकते हैं ये विशाल मेगा मार्ट है। यहाँ पर इसलिए आए हैं कि सब कुछ सामान मिल जाएगा, घर से लेकर राशन से लेकर कपड़ा से सब कुछ है। तो रुको, रोड पार हो गए। तो सामने रिलायंस का था, तो हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं, देखते हैं क्या सामान खरीदते हैं। फ्रूट वगैरह साग सब्जी सब कुछ है। तो गाइस विशाल मेगा मार्ट के सामने ये न्यू शॉप खुली थी रिलायंस का, तो यहाँ भी केवल राशन वगैरह साग सब्जी हर चीज़ यहाँ मिल जाती है। बस यहाँ कपड़े वगैरह नहीं था। और जो विशाल मेगा मार्ट था वहाँ भी, वहाँ तो सब कुछ, उसके अंदर घुस जाओ सब कुछ मिल जाएगा। तो नया खुला था तो हमने बोला चलिए यहाँ भी देख लेते हैं। इधर लग के मत घुसो ना, दूर से करो ना, देख लेते हैं। सब लोग क्या, अब हम लोग का कहीं घूमने का प्लानिंग बन रहा है, इसका हम शॉपिंग करने आए हैं। ये तो देखो ये रिसेट हमारे साथ में, ये देख सकते हैं बहुत सारे हैं। ये अच्छा लग रहा है, लगाओ लगाओ। ये ले चलो बंद करो। तो यहाँ पर देखिए ले लीजिए ना आप भी। अरे घूमने में धूप लगा रहे, धूप लगेगा तो सही रहेगा। कहाँ एक ही है, दो चार ठो रखना चाहिए, वीआईपी दिखना चाहिए, ठीक है ना? हाँ छोटा है, साइज तो यही है। इधर रिश्ता दिख रहा है ऋषभ, ऋषभ आप ये वाला देखो, ये वाला दिखा ना। तो यहाँ पर सब, वाह ऋषभ ये अच्छा लग रहा है, ले लो देखो। तो यहाँ ऋषभ सर्फ है तो नहीं है, सर्फ ज़रूरत नहीं है, दे सक आए हैं, देखते हैं। जानते पैकेट वाला ना ख़राब होता है। तो यहाँ पर कहाँ पर दूसरा होगा, यही चीज था मैंने पढ़ा। तो 137 लिखा है इधर, ये इसका लिखा हुआ है।
पता नहीं आपको कौन सा है। ये ले लो। तो यहाँ पर पहले सरसों का तेल हम लोग यूज करते हैं, तो सरसों का तेल वगैरह ले रहे हैं। यहाँ तेल, साबुन, आशीर्वाद का आटा ले लिया। बच्चे इतना ढेर सारा सामान देख रहे हैं, ये ले। अब इतना बड़ा सा गाइस देख सकते हैं, हॉर्लिक्स जब से पैदा हुआ है ब्रोमवीटा ही पिया है। तो इस बार बोला मम्मी मुझे कुछ अलग से, हमको ब्रोमवीटा ही अच्छा, ब्रोमवीटा भी है थोड़ा बहुत। तो बोला हॉर्लिक्स, इतना ढेर सारा सामान मैंने ले लिया है। देखते हैं ये लोग खाते हैं, लेकिन खाना है, फेंकना नहीं, पैसे लगे रहे हैं। तो मम्मी यूज करने दिया करो खाने को, इसी लिमिट से खाया जाता है। तो टोकरी भर गया है, टोकरी ये पेप्सी लोगी, पेप्सी ये रहेगा, इसमें सब्जी रहेगा ना। सेम प्राइस का है ये, 700 कुछ ग्राम है, ये 715 ग्राम है, ये 1.25 किलो है, 1 किलो 15 ग्राम। वो कितने का है? 340 लिखा है, इसमें 540 लिखे। तो जुड़े वहाँ पापा स्टार्ट। तो गाइस हमने कर लिया है बहुत सारा शॉपिंग, देख सकते हैं, चलते हैं बिलिंग कराने। अरे ऐसे नहीं फेंकते हैं, ऐसे नहीं फेंकते हैं। तो अब चलते हैं बिलिंग कराने, देखते हैं कितने का बिल बना हमारे लिए। 5,000 का बिल बना, कम से कम 10,000 जोड़े। तो यहाँ पर हमने सारा ढेर सारा घर के लिए सामान खरीद लिया था, तो इसका पेमेंट भी हो गया था। तो मैं बाहर लेकर आ रही थी, बाहर भी चेकिंग होता है। अब जानते हैं स्कूल भी खुलने वाला है, तो 1 महीने का राशन ही पहले ही भरवा लेते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, घर पर हम आप लोग से मिलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, तो हम लोग घर पर आ गए थे। मैं आज ये आज का ब्लॉग है, कल रात में मुझे शॉपिंग करते करते 11 बज गए थे। तो बहुत सारे सामान खरीदे थे, कुछ सामान भी फ्रिज के ऊपर सना छीड़ी सब इधर रख दिए हैं, लाकर कल से ही बेड पे पड़ा हुआ है, देख सकते हैं पूरा बोरी भर के इसमें भी है। और मैंने किचन में सजा दिया है, इतना काम है। काम भाई अगर 4-5 दिन नहीं रहेंगे तो घर पर तो लगा ही रहेगा। तो अभी बेड का दशा देख सकते हैं क्या हाल है, अभी धीरे धीरे करके सामान हटा रहे बढ़ा रहे हैं। और की तो गर्मी भी हो रही है ना, तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो किचन में मैंने 3-4 डब्बे खरीद के लाए, 3-4। तो यहाँ देख सकते हैं किचन के लिए ये छोटे छोटे डब्बे भी खरीद के लाए थे, जीरा वगैरह मरीच इलायची रखने के लिए। और ये 4 बड़े, एक में चाय पत्ती, एक में चीनी, और एक में चने की दाल, एक में अरहर की दाल। तो मैंने अच्छी तरह सजा दिया है ये सब डब्बे वगैरह, और कुछ सामान किचन में हमने रख दिया है, अंदर से बाहर तक दिखता था। अभी एसी का आवाज़ आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो जो कपड़े कल धुले थे, सचिन मनीषा घर से आए थे, तो देख सकते हैं कितना ढेर सारा फैला हुआ है, इसको भी फोल्ड करना है। और बहुत सारा सामान जो है मुझे ठीक से रखना है घर का। सोचते हैं अब फ्री होंगी, अब फ्री नहीं, काम ही नहीं और आता है मेरा। और मुझे ये मिला था, आप लोग को तो पता ही होगा, अवार्ड जो यहाँ पर रखे हुए, इसको भी एकदम फैला के रखे हैं। अभी मैं अपना घर अच्छे से ठीक से नहीं रख पाई हूँ, अभी मेरा इधर उधर बिखरा हुआ बहुत सारा सामान है, बहुत सारा। रोज़ कुछ ना कुछ करती हूँ, कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है, कहीं ना कहीं आना पड़ जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा भागम दौड़म के चक्कर में घर का ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। अब मैं अस्थिरे से करूँगी, फिर मैं अपना घर का जो भी है होम टूर कराऊंगी, नया हो या पुराना हो, जो हम इसके अंदर सब काम करवा दिए तो भाई हमारे लिए नया हो गया। तो मेरे घर के ऐसे किचन में डस्टबिन नहीं रखते थे, डस्टबिन भी खरीद के लाया था, छोटा सा प्यारा सा, बहुत सुंदर लग रहा है डस्टबिन भी। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें थे कि जो नहीं था, तो मैंने बस क्या शेयर करूँ, जो इधर उधर था दिखा दिए। जब होम टूर दिखाएंगे सब ढेर सारा क्लूसिव दिखा देंगे। तो ये वाला ब्लॉग कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक कमेंट शेयर खूब कर देना। हाँ गाइस, वहाँ पर मैं बहुत सारे से मिलकर भी अच्छा लगा और ठीक लगा, बढ़िया लगा, सब अपने अपने जगह ठीक थे। चलिए ऐसे भगवान करे मिलते रहें, जुलते रहें और सबका आशीर्वाद बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।